नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बहुत बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर के पिपराइच में 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए बच्चे का मर्डर कर दिया गया है। दोपहर 1 बजे 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को किडनैप किया गया था। बच्चे की डेड बॉडी अब बरामद की गई है। एसपी अरविंद कुमार पांडे के मुताबिक किडनैपर्स में से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसकी निशानदेही पर बच्चे की डेड बॉडी बरामद की गई। लगातार जो है इस लोकल पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सबकी जो है टीमें लगी रहे हैं। आज जो है एक अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा, उसकी निशानदेही पे ये जो डेड बॉडी जो बरामद हुई है। तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की जो है धरपकड़ के लिए जो है हमारी टीमें लगी हुई हैं। हाँ, डेड बॉडी को तो प्रक्रिया है, पंचनामा होगा, पोस्टमार्टम होगा, वो सब तो कार्रवाई होंगी ही। उसके पैरेलल जो है हमारी टीमें जो है अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगी हुई हैं। डेड बॉडी कहाँ से बरामद हुई? बस इसके बाद ये पास में बरामद हुई है जो डेड बॉडी, और कोई बहुत दूर नहीं है। तो जो फिरौती की रकम मांगी थी इसके पहले थी? फिरौती की रकम पहले मांगी गई थी। अब देखिए, अभी प्राइमर फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीजें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको बताएंगे। फिलहाल पुलिस की बात आपने सुनी, जो पूरे मामले की जांच कर रही है और बाकी किडनैपर्स की तलाश में जुटी है। राजेंद्र कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बारे में फिलहाल क्या जानकारी आपके पास राजेंद्र? कब इस बच्चे को किडनैप किया गया था और कौन है वो लोग? सुरभि, कल दोपहर की बात है जब 12 साल के बलराम का अपहरण किया गया था, और कल देर शाम को उसके घर पर फोन आए थे कि इस बच्चे की अपहरण कर लिया गया है और 1 करोड़ रुपए फिरौती की रकम चाहिए। ये बात जानने के बाद घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस जांच शुरू की, और उसके बाद से कल पता चला, आज जब ये डेड बॉडी मिली है तब पुलिस बता रही है कि कल देर शाम को ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। जी, फिलहाल एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसकी निशानदेही पर ही इस बच्चे के शव को बरामद किया गया। आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया। देश भर में कोरोना